शाहरुख खान की अगली फिल्म जवान को लेकर ये खबरें छाई हुई है कि जवान हो सकता है कि पोस्टपोन कर दी जाएगी, क्योंकि फिल्म पर अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है और क्योंकि जवान एक एक्शन मसाला एंटरटेनर मूवी है तो फिल्म के VFX के लिए मेकर्स को कुछ और समय चाहिए ताकि फिल्म के एक्शन सीन्स जबरदस्त दिख सके स्क्रीन पर। वही मीडिया की कुछ लीडिंग वेबसाइट भी यही कन्फर्म कर रहे हैं कि जवान शायद 2 जून को रिलीज नहीं हो पाएगी। अगर इन वेबसाइट की माने तो जवान के प्रोड्यूसर शाहरुख खान इस फिल्म के VFX को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और पठान की सक्सेस के बाद वे अपनी इस फिल्म को लेकर कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं डायरेक्टर एटली फिल्म के VFX के काम को लेकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं है और उन्हें लगता है कि फिल्म का VFX का काम भी समय पर पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख खान मल्टीपल लुक्स में नजर आने वाले हैं। वही फिल्म के एक्शन सीक्वेंस पर भी काफी ज्यादा पैसा लगाया गया है और इस फिल्म के VFX पर खुद शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज VFX का काम कर रही है। हालांकि अभी तक मेकर्स ने जवान की रिलीज डेट को पुश करने की कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं दी है, पर शाहरुख और उनकी प्रोडक्शन टीम साथ ही डायरेक्टर एटली कुमार एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें फिल्म के पेंडिंग काम VFX और रिलीज डेट को लेकर बातचीत की जाएगी। वहीं इस लीडिंग वेबसाइट के मुताबिक अगर फिल्म की रिलीज डेट टली तो फिल्म सितंबर या अक्टूबर मंथ को रिलीज कर दी जाएगी और अगर ऐसा कुछ हुआ तो जवान शायद प्रभास की सालार या सलमान खान की Tiger 3 को टक्कर देती हुई नजर आ सकती है आपको। गाइज ऐसे ही सभी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।